नमस्कार, जीके न्यूज पॉइंट आप सभी देख रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। जॉब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, और उसे हासिल करने के लिए सब बच्चे दिन रात जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत जाया ना जाए उसके लिए सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और उन्हीं इनिशिएटिव्स में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से अब जितने भी नौजवान युवा वर्ग हैं वो जॉब्स जो है वो ले सकते हैं। साफ तौर पर अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो पिछले कुछ सालों से जॉब्स को लेकर बच्चों में एक जदोदहद लगी हुई थी, और नो डाउट वो लोग प्रिपेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बेनिफिट जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उस बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो JKPSC की बात हो, JKSSB की बात हो, इनके द्वारा बहुत से ऐसे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं पारदर्शिता यानी कि एक फेवरेटिज्म आप कह लीजिए, या फिर कई बार कुछ ऐसे डाउट सामने निकल कर आते थे कि जिसमें बच्चों को भी परेशानी रहती थी। और कुछ ये जो अगर हम बात करें इन भर्ती करने वाली एजेंसी, इनके भी कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव से जो रहते थे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो देखने को मिलती थी। अब ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, ऐसे प्लान्स बनाए जाएंगे जिसकी वजह से ये जो थोड़ी बहुत ये जो डाउट की एक कहीं ना कहीं गुंजाइश रह गई है, इसे कंप्लीट तरह से मिटा दिया जाए और बच्चों को जॉब्स जो है वो जरूर दी जाए। अगर बात करें अभी की, तो कुछ देर पहले भी JKSSB की तरफ से कुछ ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे जिसमें फोर्थ क्लास वर्कर्स जो थे उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे, और 10,000 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें नियुक्त भी किया गया यानी जिन्हें अपॉइंट भी किया गया। और ऐसा ही अब अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 18 महीनों का अगर जिक्र किया जाए तो कम से कम 11,000 यानी कि 11,000 नियुक्तियां जो है बच्चों की गई, और लगभग 20,323 ऐसे खाली स्थान थे जो जॉब्स ऐसी थी जहां पर बहुत से बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हर बार ये जो एजेंसियों द्वारा कहा जाता है कि बिना डाउट के जो है आप निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ जो है हर एग्जाम को करवाया जाएगा, और उसके बावजूद भी कुछ डाउट सामने निकल कर आते हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस हिसाब से हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए एजेंसीज द्वारा, सरकार द्वारा क्या प्रयत्न जो है वो किए जाएंगे या क्या स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे। फिलहाल अभी ये सब अपडेट में आप मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए जेके न्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।